सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 कॉलेजेस फॉर BBA, BMS एंड BCom, जो कि अफोर्डेबल भी है। सबसे अफोर्डेबल और सबसे टॉप कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स आपको सेंड कर देंगे। चाहे आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, मान लीजिए डेलिवर्सिटी के लिए क्राइस्ट है, सिम्बोसिस है, नारसेमुंजी है, जेवियर्स है, IPMET, ZipMET हो गया, IIMs हो गए, या फिर मान लीजिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो IPSCET के लिए, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर सेंड कर देंगे। डेमो देख लो, अगर लगे कि यहाँ टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं तभी आप एनरोल कीजिएगा। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ कि कौन कौन से अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं। सबसे पहले देखिए दिल्ली सिटी के अंदर ही भाई आपको कम से कम भी 10 से 15 ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे जो अफोर्डेबल भी है और जो इंडिया के बहुत ही टॉप कॉलेजेस हैं। जैसे कि मान लीजिए SRCC है, SRCC से भाई आप BCom ऑनर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। इसके अलावा देखिए शहीद सुखदेव कॉलेज है, जहाँ से आप BBA BMS करते हो, तो वो भी दिल्ली सिटी का ही कॉलेज है, पूरे इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। लास्ट ईयर की जो प्लेसमेंट आप देखोगे तो 36 LPA का हाइस्ट पैकेज था, तो भी DU का कॉलेज है। इसके अलावा मान लीजिए आपको BCom वगैरह ऑनर्स वगैरह करनी, जैसे कि हंसराज हो गया, हंसराज के अलावा फिर हिंदू कॉलेज है, सॉरी पहले हिंदू है फिर हंसराज कॉलेज है। इसके अलावा फिर KMC है, वेंकटेश्वर कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज भी हैं, तो इस तरह के आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सिटी के अंदर आपको 10 से 15 ऐसे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेंगे और BBA BMS या फिर BCom वगैरह के लिए बहुत अफोर्डेबल भी है। DU की जो फीस आपको देखने को मिलती है वो आपकी लगभग 8,000 से लेकर 25,000 के बीच ही होती है इन जनरल, एक दो कॉलेज की ज़्यादा हो सकती है, बट आपकी जो जनरली फीस होगी आपकी 8,000 से लेकर 25,000 आपको देखने को मिलेगी। तो DU के कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हैं BCom के लिए, BBA BMS के लिए, आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, काफ़ी टॉप कॉलेज आपके लिए रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जेवियर्स मुंबई से आप BMS कर सकते हो। जेवियर्स मुंबई जो है बेसिकली वहाँ आपकी जो फीस है लगभग 30 से लेकर के 35,000 के आसपास ही आपकी फीस होती है और आपकी जो पैकेज है वो भी 30 LPA तक का हाइस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। जेवियर्स मुंबई भाई बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, लेकिन अगेन जेवियर्स जो है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन है, अगर आप एक नॉन क्रिश्चियन है तो काफ़ी कम सीट्स आपके लिए बचती है। टोटल सीट्स ही BMS के अंदर वहाँ पर 60 सीट है, जिसके अंदर से 120 सीट्स हैं, 60 पहले थी बढ़ा दी गई हैं, 60 से 120 कर दी गई है, लेकिन अभी भी 50% माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन रहेगा, तो 60 ही सीट्स आपके लिए बचेंगे अगर आप एक नॉन क्रिश्चियन है तो, ठीक है। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जेवियर्स के अंदर, बट अगेन काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज है और इसके एंट्रेंस एग्जाम का नाम है ZET, जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जेवियर्स कोलकाता को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, 60,000 के आसपास फीस है और काफ़ी बढ़िया जो कॉलेज है भाई जेवियर्स कोलकाता भी आपको यहाँ पर लगने वाला है। चाहे आप मान लीजिए BCom कर रहे हो, आप BMS वगैरह कर रहे हो, काफ़ी बढ़िया कॉलेज आपके लिए रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर लोयला का आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप BBA और BCom कर सकते हैं, फीस आपकी ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास होने वाली है। इसके अलावा फिर जामिया को आप टारगेट कर सकते हो, CUET के अंडर ही आता है और जामिया की जो फीस है वो भाई 15-20,000 के आसपास ही होती है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, अपनी BBA भी कर सकते हो, आप BCom वगैरह कर सकते हो, तो जामिया आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि मिठीबाई है, जय हिंद है, तो इस तरह के कुछ कॉलेज हैं, वो भी आप टारगेट कर सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी के, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे, आप उनके बारे में रिसर्च कीजिएगा, फीस लगभग 30,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिर IP यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है तो IP यूनिवर्सिटी को आप कर सकते हो भाई, जो टॉप कॉलेज है 1,00,000 के आसपास फीस है, लेकिन कॉलेजेस जो टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, जैसे सूरजमल कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन है, विप्स है, ये कॉलेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे। बाकी टॉप कॉलेज के अलावा अगर आप IP यूनिवर्सिटी देखोगे तो फिर वहाँ पर आपको प्लेसमेंट काफ़ी कम देखने को मिलेगी, टॉप कॉलेज के अंदर आपको 10,00,000 के आसपास हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ DTU की, तो DTU भी काफ़ी सही है अभी अगर आप BBA वगैरह करना चाहते हो, 60 से 70,000 या फिर 80,000 के समथिंग फीस है और DTU का भी नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे तो इंजीनियरिंग के लिए ली है, लेकिन वो BBA भी वहाँ से प्रोवाइड होती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो DTU को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉलेज थे जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, अफोर्डेबल कॉलेज आपके लिए रहेंगे BBA BMS और BCom वगैरह के लिए। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो और अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो, व्हाट्सएप पर सिर्फ हेलो सेंड कर दीजिएगा और आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।